तस्वीरां लुधियाणा दे वख-वख थाणियां दीआं ने जिथे अलर्ट होण दे चलदिआं थाणियां बाहर नैट दे जाल लगा दित्ते ने ते बंकर भी बनाए गए। इत्थे इह वी दस दईए कि 15 अगस्त नूं मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान दे वल्लों झंडे दी रस्म नूं अदा कीता जाणा है तां इसे नूं लै के खुफिया एजेंसियां वल्लों अलर्ट दी गल कही जा रही है। इस नूं लै के पुलिस ने कैमरे की मदद ते PCR दस्ते तो इलावा वख-वख पुलिस दीआं टुकड़ियां इलाकिआं च तैनात कीतीआं ने। नाल इह वी दस दईए कि सारीआं सरकारी इमारतां दे बाहर पुलिस सिक्योरिटी दे प्रबंध पुख्ता ने। उधर इस संबंध में जानकारी सांझी करदे ADCP शुभम अग्रवाल ने कहा 15 अगस्त नूं लै के पुख्ता इंतजाम किए गए ने ते कहा कि लुधियाणा नूं अलर्ट ते रखदिआं वख-वख जगह ते चैकिंग भी की जा रही है। 15 अगस्त को लेकर हर तरीके के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रबंध किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जगह जगह पे नाके लगाए जा रहे हैं। जहाँ पे ये सारा प्रोग्राम होना है वहाँ पे जो हमारी फोर्स है वो लगातार वहाँ पे उसकी निगरानी कर रही है, और वहाँ पे हर तरीके का चेक, चाहे वो एंटी सैबोटाज चेक हो और जिस जिस तरीके के सुरक्षा के जो स्टेप लिए जाते हैं वो लिए जा रहे हैं। जी, एक थानों के बाहर जाल लगाया गया है, आम तो पहले देखा नहीं गया है, तो बंकर में तो क्या कुछ खास है, कोई ओपन कोट है क्या चक्कर? ये भी जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये भी एक मुहिम है जिसके अंतर्गत हम हमारे जो थाने हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और ज़्यादा सुरक्षित बना रहे हैं। तो ये एक जनरल ड्राइव है हमारी तरफ से जो ली जा रही है, जिससे हमारे सारे थाने और सारे जितनी पुलिस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको हम और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। पूरे जिले भर में कर रहे हैं ऐसे? सर, पूरे जिले में कर रहे हैं। किस तरह से बनाया जा रहा है? जैसे कि जो हमारी फोर्स है उसको हम अलर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लगातार नाकाबंदी कर रहे हैं, जो वहाँ पर हम जाल लगा रहे हैं, सैंड बैग लगा रहे हैं, जो सीनियर अफसर्स हैं उनके द्वारा जगह उनके समय समय पर हिदायतें जो हैं जारी की जा रही हैं और उनकी पालना हो रही है। बंकर भी बनाए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बंकर जैसी कोई बात नहीं है जी। जो मैंने कहा वो ये है कि वहाँ पे हम जाल लगा रहे हैं, सैंड बैग लगा रहे हैं, हमारी फोर्स को अलर्ट कर रहे हैं और हर तरीके के जो सुरक्षा प्रबंध है जो सीनियर अफसरों ने हिदायतें जारी करी हैं उसके मुताबिक उनको और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। मतलब शहर के जो बड़े चौक है, जो खास चौक है, उनकी सुरक्षा को लेकर हर तरीके के प्रबंध किए जा रहे हैं, जैसे कि CCTV कैमरे हो गया, हमारा सेफ जो सिटी लुधियाना का प्रोजेक्ट है उसके अंडर उनको कवर किया जा रहा है, वहाँ पे हमारी नाकाबंदी करी जा रही है, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस द्वारा हर तरीके के उपराले किए जा रहे हैं जिससे जो चौक हैं एक तो वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या ना आए और वहाँ पे किसी भी तरीके का जो है एक्सीडेंट ना हो और जो नागरिक हैं वो सुरक्षित महसूस करें। सर, रात के समय का कैसे प्रबंध है, जैसे सुरक्षा को लेकर रात के समय नहीं? रात के समय की भी सुरक्षा पूरी तरीके से दुरुस्त करी जा रही है, उसके अंतर्गत नाकाबंदी, कैमरे के थ्रू निगरानी और सीनियर अफसरों के द्वारा सरप्राइज विजिट चेकिंग, ये सारा कुछ किया। पुलिस पूरी तरह अलर्ट है जी। सर, एक सवाल है, 15 अगस्त को लेकर CM साहब जैसे आ रहे हैं तो क्या लगता है उसी के संबंध में ये सारा जो मुहिम चलाई जा रही है? ये एक जनरल सिक्योरिटी रिव्यू और मैकेनिज्म है जो पुलिस कर रही है। हाँ, ये बात ज़रूर है, CM साहब आ रहे हैं तो 15 अगस्त को लेके सुरक्षा के को ध्यान में रखते हुए बहुत तैयारी चल रही हैं, तो उसके अंतर्गत भी ये एक उपराला है। जी, थ्रेट के इनपुट तो आते रहते हैं जी, अभी भी हैं, पहले भी आते रहे हैं, लेकिन जो हमारी सुरक्षा प्रबंध है वो चाहे वो इनपुट आए या ना आए लेकिन हमारी सुरक्षा प्रबंध हमेशा जो है उस अच्छा होना चाहिए। बिल्डिंग को भी टारगेट बनाया जाता है, जैसे पहले दीनानगर में हमला हुआ, नवाशहर के थाने में हमला हुआ, मोहाली में अटैक हुआ, हमारे जिला CM साहब विजिट कर रहे हैं कहीं, इसलिए जैसे CM साहब की विजिट ये भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है जिस वजह से जो है क्या कहते हैं सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, पर जनरल भी हम जो हमारी सुरक्षा है उसको दुरुस्त करने में लगे हुए। लुधियाना लाइव, सुरिंदर सोनी की रिपोर्ट।